सो गाइस आज के वीडियो में मेरे पास आ जाते हैं काफी ज्यादा स्पेशल पावर, और इस पावर का यूज करके मैं किसी भी गॉड की पावर खरीद सकता हूँ। तो कह सकते हो कि मैं वो गॉड बन सकता हूँ। अब भाई आज के वीडियो में जो है तरह तरह के गॉड होने वाले हैं, और हर एक गॉड की अपनी अलग एबिलिटी होने वाली है, जिनको बारी बारी करके हम सब जो है सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है काफी सारे नए नए टास्क भी करेंगे, क्योंकि वे टास्क करने से हमें जो है थोड़े पैसे मिलेंगे, और उन पैसे का यूज करके हम जो है इन गॉड्स की पावर खरीद सकेंगे। सो गाइस आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। बाकी इन वीडियोज को बनाने में जो है काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो भाई अगर तुम एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई आई विल रियली अप्रिशिएट इट। हम लोग बहुत ज्यादा करीब 100K सब्सक्राइबर्स के, बाकी ये वीडियो जो एटलीस्ट 2000 लाइक्स तो डिजर्व करती है। एंड अगर आपको भी एक फ्री का हार्ट चाहिए तो फिर आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर पैरेलल्स ओपी, जो जो पैरेलल्स ओपी लिखेगा स्पेलिंग देख के उसे मैं फ्री का हार्ट दूंगा। एंड गाइस इसी के साथ बिना किसी देर के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओ भाई ये मैं कहां समन हो गया हूं भाई, किसी बर्फीली जगह में। यहां पर कहां गॉड मिलेंगे भाई? मेरे पास अभी जेब में केवल 500 रुपए हैं, सॉरी 500 डॉलर्स हैं भाई, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो हमें यहाँ से जो है टेलीपोर्ट होना पड़ेगा एक एस्ट्रल प्लेन के अंदर, जहाँ पे हमें वो सारे के सारे गॉड्स मिलेंगे जिन्हें हम खरीद सकते हैं बाद में। तो भाई लेट्स गो। ओके तो मैं आ चुका हूँ एस्ट्रल प्लेन में, और ये देखो भाई मेरे सामने कौन है। ओके तो भाई ये खड़ा है हमारा फायर गॉड, ये है हमारा डार्क गॉड, और ये है हमारा नॉच, और ये हमारा ओजी गॉड जिसका नाम है ज्यूस। ओ भाई ये सबके सब तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन इन सबका रेट क्या है? ओके तो ये है 500 डॉलर्स में, जो कि मेरे बजट में है। ये है 1000 डॉलर्स का। भाई नॉच आ रहा है 5000 का, और ये हमारा ज्यूस आ रहा है 50000 का। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो भाई अभी तो मेरी औकात सिर्फ इसे लेने की बन रही है, तो इसे लेके देखते हैं, और बाद में हम जो है टास्क करेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, और फिर बाद में इन बाकी तीनों को भी खरीद के देखेंगे। लेकिन अभी के अभी मैं फायर गॉड के साथ चलता हूँ। और भाई यहाँ मैं बन चुका हूँ हमारा फायर गॉड, और ये थोड़ा अलग लग रहा है भाई वहाँ से जो मैंने खरीदा था, बट खैर कोई नहीं भाई, ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मेरा कहने का मतलब है। और देखो तो भाई यार इसके पास और कोई पावर तो अभी मेरे को नहीं दिख रही है भाई, शायद से बाद में आएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे पास बस ये पंच है जो कि ज़्यादा कुछ नहीं करता। वेल एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए क्योंकि हर गॉड के पास जो है स्टार्टिंग में कोई भी पावर नहीं होगी, उन पावर्स को जो है मेरे को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अनलॉक करना पड़ेगा। ओके तो अब मैंने भाई फ्लाइट भी अनलॉक कर ली है, तो अब मैं जो है अपनी फायर का यूज़ करके थोड़ा बहुत उड़ सकता हूँ, तो मतलब ये फायर पावर जो है धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। एक मिनट यहाँ पर और थोड़े से गुंडे आ चुके हैं, इन्हें एक बार मैं मार के देखता हूँ। हैया ओके ओके मार दिया मैंने आदो को। हैया ओके सो मैंने यहाँ पर अपना पहला फायर अटैक करना सीख लिया है। भागो भागो। ओके सो ये तो काफ़ी ज़रा मस्त एबिलिटी, और मैंने कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर सारे के सारे गुंडों को निपटा दिया है। तो भाई एक बार ना हम अपनी सारी सारी एबिलिटी अनलॉक कर ले, तो हमारी जो स्पिरिट है ना उसकी मैनिफेस्टेशन बाहर आ जाती है। मतलब तुम लोग कह सकते हो हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल आत्मा आ जाती है, जो कि तुम्हारे लिए लड़ेगी, तुम्हारे लिए फाइट करेगी, सब कुछ करेगी। और हर एक गॉड की ना अपनी एक अलग स्पिरिट है, जो कि तभी अनलॉक होती है जब एक बार जो है गॉड अपनी सारी सारी पावर्स को मास्टर कर लेता है। तो अभी मेरे को जितने हो सके उतने फायर अटैक सीखने पड़ेंगे जल्द से जल्द, ताकि मैं अपनी स्पिरिट को अनलॉक कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ विलेज में आके कोई विलेजर, जिनसे हो सकता है मेरे को थोड़ा काम मिल जाए, और जिनके काम के बदले वो मेरे को पैसे दें। एक बार यहाँ पे कोई विलेजर मिल जाए तो काम बन जाएंगे। लेकिन एक मिनट अब यहाँ पे आग कैसे लगी? इस घर के पास से तो मैं निकल रहा था भाई, मुझे लगता है मैंने गलती से यहाँ पे आग लगा दी। भागो यहाँ से। एक मिनट मैं इनके पूरे विलेज को जला सकता हूँ, और बदले में इन्हीं से कुछ चार्ज ले सकता हूँ। रुको भाई मेरे को लगता है मैंने अपनी स्पिरिट को जो है अनलॉक कर लिया, तो एक बार अपनी स्पिरिट को बुला के देखता हूँ। ओके सो स्पिरिट अनलॉक। ओ भाई ओके सो ये मेरी स्पिरिट है जो कि मेरे अंदर रहती है, तुम लोग देख सकते हो, और ये मेरी जो मेरी स्पिरिट है बाहर आ जाती है, और इसके पास जो है मेरी तरफ फायर एबिलिटीज हैं। ओके स्पिरिट तो तेरा पहला काम है इस पूरे विलेज में आग लगाने का। ओके ओ भाई ये तो पूरे विलेज में आग लगा रही है। ओके यहाँ पर भी आग लगाओ, एक भी घर को जो है जिंदा नहीं छोड़ना, सब घर में आग लगा दो, अपने आप आग फैलती जाएगी यहाँ पर। अरे भाई गुंडे आगे फिर से, इनसे मैं नहीं मेरी स्पिरिट लड़ेगी ऐसे। ओ भाई ओके ओके सो ये तो एक पंच में इन सबको बड़े आराम से मारे दे रही है, इन सब में आग लगा लगा के मार रही है। ये लो भाई आग के मजे लो तुम सबके सब, और सबको भाई मैंने जला के राख कर दिया भाई। ये होती है पावर फायर गॉड की। इन सभी घरों से मेरे को थोड़ी बहुत लूट मिली है, और वो लूट में मेरे को आराम से भाई 1000 डॉलर्स तो निकल आते हैं, और इन 1000 डॉलर्स का यूज करके जो है मैं हमारा अगला एंटिटी लूंगा, जो कि असल में होने वाला है हमारा डार्क गॉड। और मेरे को खुद नहीं पता भाई डार्क गॉड के बारे में, मैंने उसकी पावर्स के बारे में पहली बार सुना, पर फिर भी भाई एक बार देखते हैं कि आखिर ये करता क्या है। तो गाइस अब मेरे को लगता है मैंने फायर गॉड की जो है सारी की सारी पावर्स को अनलॉक कर लिया है, तो अब टाइम है भाई स्विच करने का हमारे डार्क गॉड पे। और ये लो भाई हम बन चुके हमारे डार्क गॉड, जो कि बिल्कुल एंटिटी 3-3 जैसा लगता है, पर भाई जो भी को काफी ज्यादा कूल है हमारा डार्क गॉड। देखते हैं इसका क्या क्या पावर है। ओके भाई डार्क एनर्जी की पावर है मेरे पास में, और इस डार्क एनर्जी की पावर जो है मैं काफी अच्छे से तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये लेजर आइज की पावर जो है काफी ज़रा मस्त है, ब्लॉक्स के आर पार जाती है, और इन सब के साथ ही साथ मैं अपने जो है जॉम्बीज भी साथ ही साथ निकाल सकता हूँ ऐसे करके। देखो ये लॉयल जॉम्बीज है मेरे को कुछ भी नहीं करेंगे।
पर ऊपर टॉप लेफ्ट में तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक ब्लड का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास है ब्लड सक करने की एबिलिटी। हाँ भाई, हमारा डार्क गॉड जो है वो एक्चुअली में वैम्पायर है, मतलब वो धूप में जल जाता। तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी यार कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा अपना रहने का ठिकाना, इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए और मैं धूप में जल के मर जाऊं। और भाई इसके पास एक पावर जिसका यूज करके मैं ऐसे कंटिन्यूस पंचेस मार सकता हूं, जिसमें मैं खड़े खड़े भाई किसी ब्लॉक को तोड़ सकता हूं, चाहे वो स्टोन ही क्यों ना हो। अब मेरे को लगता है ये है टाइम हमारे पंचेस को ट्राई करने का। सबसे पहले मैं जो है ब्लैक होल पावर तुम लोग को दिखाता हूं। ये लो भाई, एक साथ मैंने सारे के सारे पिलेजर्स को ले लिया और अब इन पे पंचेस मारूंगा मैं बहुत जोर से, ये धमाका करूंगा अब मैं। और ये मेरे पर मार क्यों नहीं रहे? ओके ओके, बचो बचो बचो। ओके फिर से आओ तुम सब डार्क होल में। ओके सो ये ब्लैक होल में आते ही मर जा रहे हैं। और भाई ऐसे तो मैंने बिना कुछ किए इन लोग को ऐसे ही मार दिया। बच्चे कुछ जो अंदर है उन्हें मार देता हूँ मैं। ओके भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू भी मरेगा। नाइस। ओके सो भाई अब मेरे को यहाँ पे मिल चुका है एक विलेज, और मैं विलेज के अंदर आके इन विलेजर्स का खून पीऊंगा। कहाँ भाग रहा है, तेरा खून चाहिए मेरे को। ओके सो इसे मैंने मार दिया खून पी के, और थोड़ा सा खून मिला हमें। अब ऐसे मैं नॉर्मल मॉब्स या विलेजर्स को मार के ही खून ले सकता हूँ, वैसे और कोई तरीका नहीं है। एंड अब आई थिंक जो है मेरी स्पिरिट भी पूरी बाहर आ चुकी है। बुलाता हूँ अपनी स्पिरिट को, स्पिरिट बाहर आ, और ये आ चुकी है भाई मेरी स्पिरिट बाहर, जो कि भाई ऐसी हाथों से ही पूरे पूरे ब्लॉक्स को माइन कर देती है, चाहे कोबलस्टोन है चाहे कुछ भी। और गाइस ये मैं यहाँ पे बन चुका हमारा नॉच, हमारा प्यारा सा नॉच। और भाई नॉच ही एक ऐसा गॉड है जिसके पास कोई भी ऐसी स्पिरिट पावर नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में एक इंसान ही है, लेकिन उसे गॉड का दर्जा दिया जाता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे नॉच के पास में जो है एलिमेंटल पावर्स है, और हम इन पावर्स को जो है बारी बारी करके यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास एक थोड़ी बहुत फायर पावर है जिसका मैं यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके यहाँ पर एक रैबिट टहल रहा है, तो इस पे मैं एक बार मार के देखता हूँ, और इसमें आग लग गई थी जैसे मैंने से मारा। जैसे ये देखो मेरा जूम पंच, मैं अपना हाथ बड़ा करके मार सकता हूँ। हमारे नॉच के पास में लूफी की पावर्स है भाई। और भाई अब टाइम है तुम लोगों को दिखाने का नॉच की स्पीड। तो ये देखो भाई मैंने किया अपनी स्पीड एक्टिवेट, और ये देखो भाई हमारी नॉच इतनी तेज भाग रहा है कि उसकी आफ्टर इमेजेस बन रही हैं। वैसे हमारे नॉच के पास में जो है आइस पावर्स भी हैं, वाटर पावर्स भी हैं। ये देखो भाई हमें आइस का यूज करके जो है ऐसे हवा में उड़ भी सकता हूं, और ऐसे मैं जो आइस की वॉल्स भी बना सकता हूं अपने दुश्मन से बचने के लिए। खैर ये है मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल आइस अटैक जिसका नाम है फ्रॉस्ट फील्ड, और इसका यूज करके मैं जो है हर जगह पे बर्फ ही बर्फ ला सकता हूं। वेल बर्फ तो तुम लोगों ने देख ली, अब वक्त है मेरी आग देखने का। और भाई मेरी आग भी जो है नीली नीली है, और तुम लोग को पता होगा कि पीली आग से ज्यादा एक्चुअल में नीली आग ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखो भाई यहाँ पर मैंने बना ली एक फायर वॉल जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। वैसे मेरे पास जो है एंडरमैन की शक्तियां है, मतलब मैं डायमेंशनली ट्रेवल भी कर सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो अभी के अभी यहाँ पे नेदर में भी पहुंच सकता हूँ। तो ओके 3 2 1, और भाई यहाँ पे मैं अपनी डायमेंशन टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करके आ चुका हूँ नेदर के अंदर। तो मेरे यहाँ पर आने के दो रीजन है। पहला रीजन तो भाई मेरे को डायमंड चाहिए, क्योंकि मेरे को अगले एंटिटी बनने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, जो कि यहाँ पे जितने मिले डायमंड्स हैं उन्हें बेच के पूरी हो जाएगी। और दूसरा रीजन ये है मेरे को अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर्स को भी यूज करना सीखना है। बिल्कुल ऐसे। ओके सो मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज कर रहा हूँ, और भाई मेरे आसपास जो है काफी सारी बिजली निकल रही है। ओके सो इस पे असर हुआ, और ये फाइनली एक ब्लेज भी मैंने मार दिया है। यहाँ पे बाकी ज़ॉम्बी पिगमैन भी है, इन्हें मार के देखते हैं, और ये भी बड़े आराम से मर चुके हैं। और ये है लाइटनिंग डैश हमारा। देखो भाई हमारे पास बिजली की रफ्तार आ चुकी है। वो एक चेस्ट मिली मेरे को। ओके सो इसके अंदर 8 डायमंड्स, इतने में मेरा काम हो जाना चाहिए बड़े आराम से। सो यार अब हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस हमने हमारे डायमंड सारे के सारे बेच दिए, और वो बेचे पूरे पूरे $50,000 में, जो कि हमारे लिए इनफ है। और अब मैं बन सकता हूँ फाइनली हमारा ज़ियस। और गाइस इसी के साथ मैं बन चुका हूँ हमारा ओजी गॉड माइनक्राफ्ट का, जिसका नाम है ज़ियस। और भाई इसकी और नॉच की एबिलिटीज काफी हद तक सेम है, और हमारे पास जो है पंख भी जिनका यूज करके हम लोग जो है उड़ सकते हैं काफी ज्यादा दूर तक। और ये मैं लग गया लावा में। ओ भाई मैं तुम्हें क्या लगा मैं लावा में गिरूंगा, बिल्कुल नहीं भाई। और भाई हमारी स्पिरिट भी जो है पहले से ही अनलॉक रहती है, मतलब अब मैं चाहूँ तो अपनी स्पिरिट को कभी भी निकाल सकता हूँ। ओके बाहर आ। ओके सो ये बाहर आ चुका है फाइनली। भाई तो मेरी स्पिरिट भी जो है मेरी तरफ बिल्कुल गोल्डन है, एकदम शाइनी शाइनी सी। और इस स्पिरिट के पास में एबिलिटी टाइम स्टॉप करने की, तो भाई ये मेरे को टेलीपोर्ट भी करा सकता है ऐसे कहीं पे भी। मैं चाहूँ तो वहाँ पे देख सकता हूँ, वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइम स्टॉप कर सकता हूँ। और टाइम स्टॉप करने के बाद मैं इन सब के ऊपर जितने मर्जी उतने घुसंड मार सकता हूँ, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरा। पर एक्चुअली मेरा जो है गॉड बनने का एक अलग भी रीजन है, क्योंकि मेरे को हराना है ड्रैको को, जो कि मेरे काफी टाइम से दुश्मन है। अब मैं जो है ड्रैको को बताने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भी जो है काफी ज्यादा मस्त पावर आ चुकी है, और ऊपर से ड्रैको एक डीमन है और मैं एक गॉड हूँ, तो भाई हमारे बीच में राइवलरी तो रहेगी हमेशा। तो चलो भाई इसे कॉल करता हूँ, देखते हैं वो कहाँ है। ओ भाई बहुत दिन हो गए यार, ये कहाँ है? ओए हेलो कहाँ है भाई? ये देखो ये ड्रैको, आज तू नहीं बचेगा, आज तू नहीं बचेगा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, देख अब मैं भी काफी कर रहा हूँ। ओ भाई क्या कर रहा है तू, मारेगा क्या? वो मारेगा मुझे, तुमने मुझे भाई, मैं ये सब नहीं करना चाहता, तो तुमने मुझे मजबूर किया है। अच्छा बेटे देख देख एक बार अटैक करके देख, मेरे पास तेरे अटैक का कोई भी असर नहीं होगा, देख कर ले कर ले, कुछ नहीं हो रहा मेरे पास। ले ले भाई कुछ हो ही नहीं रहा मेरे को। गॉड ये कैसे हो सकता है,
ये सारी वो पावर्स है जो कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे। अब तू एक ये देख, ये ले, ये। ओह, ये क्या किया? ये कैसे हो सकता है? भाग का रहा है। रुक तेरी ऐसी की तैसी, अब तू गया। ओ भाई आसमान में लड़ाई करेगा तू? रुक तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं अभी। तू गया। अबे आसमान में पंचेस मार रहा है। चलो मान लो एक पल को तुम पावर से मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन स्पीड को मेरे कैसे मैच करोगे तुम? ओ भाई पेड़ के बीच में से निकल रहा साला। कहाँ है ये रहा? भाई बिल्कुल बास चील की लड़ाई चल रही है। तो तू मुझे छू भी नहीं पाएगा, मेरी स्पीड कोई नहीं मैच कर सकता। ओ भाई इस पे निशाना लग जाए एक बार, बस एक बार निशाना। ये ले, लग गया तेरे पे। ये क्या किया? गॉड ये तूने मुझे क्या मारा? मेरी एक पंख नहीं काम कर रही है, मैं मर जाऊंगा। क्रैश लैंडिंग। चलो भाई इसका तो काम हो गया, मैं इसे जाके ढूंढूंगा। मुझे लग रहा भाई इसी यहीं कहीं दबा होगा जमीन के अंदर। रुको भाई इस जगह को पूरा उड़ा दूंगा। अबे क्या ये गॉड, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास ही पावर्स हैं? ओ शिट, अपने अंत को अपने सामने देखो। भाई मैं यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड होगा। गॉड क्या हुआ, तुम नहीं ना कुछ कर पाए? तुम मेरा कुछ कर भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें आज यहीं पे मार दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे जीत जाओगे? ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। तुम जहाँ पे भी छुप जाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी ये ताकत इसीलिए बनाई गई थी ताकि मैं तुम लोग को मार सकूं। अब मैं तुम्हें मार के अपना रूल स्थापित करूंगा। बाय बाय गॉड, तुम्हारा अंत आ गया। क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने गॉड को यहीं पे आते हुए देखा था लेकिन उसकी बॉडी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने गॉड को अपने सामने ही यहीं पे आते हुए देखा था और वो यहीं से नीचे खोद के गया था। बल्कि ये देखो, मैंने अपनी पावर का भी यूज किया था यहाँ पे पता लगाने के लिए कि गॉड यहीं पे, तो वो गया कहाँ? अरे ये बस तो गॉड की है। मैं हूँ एक्शन कॉमन, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। व्हाट, एंडर पर्ल? और नहीं तो क्या भाई, इतनी दूर भाई, मैं 100 ब्लॉक्स दूर में देख रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या हुआ है। मेरे वाले पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है गॉड, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। क्या कहेगा बता। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन एक डेविल पे भरोसा कभी मत करना। हैं क्यों? ओ भाई गॉड, तुम भले ही मेरे सारे अटैक से बार बार बच रहे हो, लेकिन सुनो, मेरे इस अटैक से तुम पिछले बार बच गए, बट इस बार तुम नहीं बचोगे। अरे तो अपनी पावर तो दिखा ली, अब मेरी पावर देखेगा? चलो दिखाओ ना, देखो तो तुम्हारे अंदर क्या है। ये है मेरी टाइम स्टॉप पावर। पूरा टाइम रोक दिया मैंने, अब तू हिल नहीं पाएगा। यार तुमने सिर्फ मेरा ही टाइम स्टॉप किया क्या? क्योंकि मेरे अगल बगल की सारी चीजें मूव कर रही हैं। यस, अब तू खाएगा मेरे कंटिन्यूस पंचेस। अब तू गया, बस ये ले तेरा आखिरी एंड। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे अंदर से मेरी सारी ताकत क्यों निकल रही है? ये तुम क्या कर रहे हो गॉड? इससे मेरी पूरी शरीर की ताकतें निकलनी है। और अब ये रहा भाई मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच। क्या वो मर गया फाइनली भाई। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का प्रैंक जो है सक्सेसफुल रहा। अगर ये वाली वीडियो देख के अच्छी लगी तो फिर मेरी लेफ्ट साइड में देखो, इसका पहला पार्ट भी तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वरना मेरी अडॉप्टेड वाइफ इविल गॉड्स वाली वीडियो देख लो, वो भी काफी ज्यादा मस्त वीडियो है। एंटिल देन आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।